महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर जारी है संग्राम। आज सुबह शरद पवार के घर पहुंचे बीजेपी सांसद संजय काकड़े। एनसीपी विधायक दल के नेता संजय पाटिल भी मौजूद। महाराष्ट्र के घमासान पर बातचीत जारी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज 11:30 बजे होगी सुनवाई। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की मांग रद्द हो शपथ। विधायकों को टूट फूट से बचाने में जुटा विपक्ष। पवई के होटल भेजे गए एनसीपी विधायक। मुंबई के होटल में ठहरे शिवसेना विधायक। कांग्रेस विधायकों को जयपुर इंदौर शिफ्ट करने की तैयारी। एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बदला अपना व्हाट्सएप स्टेटस। लिखा, हमारे पास है महाराष्ट्र के लिए बेस्ट रोल मॉडल। लोगों की सेवा के लिए बनाएंगे नई टीम। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। दूसरे कार्यकाल में छठी बार मन की बात के जरिए पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित। हैदराबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। फ्लाईओवर के ऊपर से गिरी कार। पैदल चल रही महिला की मौत। उज्जैन में सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो। 3 दिन पहले तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 युवक को कुचला। हादसे में दोनों की मौके पर मौत। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मामूली से विवाद पर युवक को मारी गोली। जख्मी युवक समीर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। घटना सीसीटीवी में कैद। एमपी के सिंगरौली में बदमाशों का आतंक है। एक दुकान पर दर्जन भर बदमाशों ने किया हमला। दुकानदारों को जमकर पीटा। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जेएनयू छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर 2 अलग-अलग थानों में हुई एफआईआर। पुलिस की जांच तेज। सीसीटीवी फुटेज से जुटाएगी सबूत। कल हो सकती है कुछ संदिग्ध छात्रों से पूछताछ। बिहार के हाजीपुर में निजी फाइनेंस कंपनी में 55 किलो सोने की लूट। हथियारबंद लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियार सप्लाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। खालिस्तानी आतंकियों को करते थे गोला बारूद सप्लाई। यूपी के चंदौली में तिब्बती शरणार्थियों के उलेन की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 के नामी कल्लू को लगी गोली। एक आरोपी फरार। एक सिपाही भी जख्मी। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में पुलिस ने लूटपाट करने वाले आरोपियों को धर दबोचा। बदमाशों ने व्यापारी से लूटे थे 4,80,000 रुपए। दिल्ली में प्रदूषण के चलते हवा का स्तर फिर हुआ खराब। इंडिया गेट के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार। गाजियाबाद और नोएडा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। पाबंदियों के बावजूद किसान पराली जलाने से नहीं आ रहे हैं बाज। पंजाब के लुधियाना में फिर पराली जलाने की तस्वीर सामने आई। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास पर जबरदस्त बर्फबारी। सैकड़ों मुसाफिर रास्तों में फंसे। सेना के जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। घर मकान पर जमी बर्फ की चादर। सड़कों पर बर्फ जमने से ऊंचाई वाले इलाकों से टूटा संपर्क। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी। गुलाबा इलाके में सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर। घर में भी बर्फ की बर्फ नजर आ रही है। आज इटावा लाइन सफारी आम लोगों के लिए खोला जाएगा। यूपी फॉरेस्ट मिनिस्टर दारा सिंह चौहान और इटावा सांसद राम शंकर कटारिया करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से विधायक के जमकर थिरकने का वीडियो सामने आया। विधायक राम कुमार यादव युवा महोत्सव का उद्घाटन करने आए थे। इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। बगदाद में छात्रों और पुलिस में हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाए। उज्जैन में महाकाल के दर पर पहुंची डांसर सपना चौधरी। भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मुंबई ढोल नगाड़ों की थाप पर रिलीज किया गया पानीपत फिल्म का गाना। फिल्म के स्टार कास्ट रहे मौजूद। मन में शिवा गाने के बोल पर कलाकार।